नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NCERT के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं सृजन राजपूत आज के इस गणित के सत्र में, मैथमेटिक्स सत्र में आपके साथ रहूंगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारी मेल आईडी और हमारे चैट बॉक्स के ऑप्शन के साथ। आप हमें लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन या क्वेरी dth.class9@cit.nic.in पर, या फिर आप हमें कॉल कर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800440559। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ऑफिशियल चैनल जो हमारा है यूट्यूब का NCERT ऑफिशियल, वहीं लाइव चैट बॉक्स के ऑप्शन में जाकर भी आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आप हमें ई विद्या चैनल नंबर 9 पर देख रहे हैं, तो एक और माध्यम वही है NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये तीनों ही माध्यम है अपने प्रश्नों और सुझावों के साथ हमसे जुड़ने का। ये सत्र गणित का है और चलिए हम गणित के इस सत्र को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड्स ज्योमेट्री पार्ट 2। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमारे साथ कनेक्ट है मिसेज वीना प्रकाश मैम। मैम सीनियर PGT मैथमेटिक्स हैं कैंपियन स्कूल भोपाल से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। थैंक यू सिमरन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय लर्नर्स। यस मैम। मैम क्योंकि ये एक ज्योमेट्री का चैप्टर है और मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री है वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि उसमें वो कंपास यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं वो इतना प्रैक्टिकल वर्क है ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स का, और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड ज्योमेट्री पार्ट 2, तो इसमें आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं? ये जो आपने बोला है ना ज्योमेट्री इज एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट। जो प्रैक्टिकल पार्ट जो बच्चों को करना है उसका जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल, स्टार्टिंग लेवल, कुछ डेफिनेशंस जो है बच्चों को हमें एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में बताना है, वो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज दिस वाज एक्चुअली डिफाइंड, ये जो पूरा ज्योमेट्री का ये जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट, उसको ये यूक्लिड जो है उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में लिख के दिखाया है। तो उन्हें इनका डेफिनेशंस जो है पहले हम देख लेते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने किया है क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड्स डेफिनेशंस देखे थे, कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के जो डेफिनेशंस है, लाइक पॉइंट हम किसको बोलते हैं, इन्होंने डिफाइन किया दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट मींस एक छोटा सा डॉट, ये जो डॉट है दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट वी हैव, इसको एक पॉइंट बोलते हैं हम, जस्ट मार्क किया। तो इस जो ये जो चीज है इसका ना लेंथ है ना विड्थ है। आप कोई भी चीज इस सरफेस में देखेंगे, आप हर चीज को मेजर कर सकते हैं, जो चीज आपके सराउंडिंग है उस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो आपने जब पॉइंट मार्क किया तो उसका आप क्या मेजर करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ठीक है, अब लाइन का डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखा है, अ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब जैसे आपने ये स्क्रीन देखा, स्क्रीन में आपका जो रीजन है इसमें आप राइट साइड भी जा सकते हैं, नॉर्थ ऊपर भी जा, अपवर्ड भी जा सकते हैं, राइट, तो लेंथ में भी जा सकते हैं ब्रेथ में भी जा सकते हैं। बट लाइन जो चीज है, लाइन उनके अनुसार डिफाइन किया था अ ब्रेथलेस लेंथ, सिर्फ लेंथ में ही है, दैट इज आप ऊपर अपवर्ड नहीं जा सकते, सिर्फ साइडवेज में जा सकते हैं। नेक्स्ट वाज एंड्स ऑफ अ लाइंस आर पॉइंट्स, आप कोई भी लाइन के एंड्स देखेंगे, जैसे ये लाइन है इसका एंड है, ये जो है दैट्स अ पॉइंट, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ये पॉइंट है, दूसरा एंड दैट्स अनदर पॉइंट, फाइन। और उसके बाद अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन में आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो इट्स उसी लाइन पे लाई करता है, देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। और सरफेस इज विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस एक पार्ट, एक रीजन जिसमें लेंथ भी, दैट इज जो मैं बोल रही हूँ, जो राइट साइड जा सकते हैं, लेफ्ट साइड जा सकते हैं, अपवर्ड जा सकते हैं, डाउनवर्ड, तो एक रीजन में चल रहे हैं, सो दैट इज नोन एज अ सरफेस। नाउ एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। आप कोई भी सरफेस देख लीजिए, जैसे आप मेरे हाथ में जो मोबाइल है, इस मोबाइल का मोबाइल है, ये दिख रहा है आपको, ये मोबाइल, ये एक सरफेस हुआ, सरफेस में एक लेंथ हुआ, दैट इज आप राइट साइड भी जा सकते हैं, अपवर्ड भी, इसको बोलते हैं ब्रेथ, ये ब्रेथ पार्ट हुआ। तो इसके जो कॉर्नर्स है ये क्या हुआ, दीज आर लाइंस, एजेस, ये किनारा ऑफ द सरफेस, दीज अ लाइन, किनारा ऑफ द सरफेस इज अ लाइन, सो दे आर लाइंस। आप फ्रेम, फोटो फ्रेम देख सकते हैं ना, एक लाइंस, छोटे छोटे लाइंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सरफेस इज विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। फिर से मैं ये डेफिनेशन ले रही हूँ, ये एक सरफेस है,
इसमें आप कोई भी लाइंस, ये एक पेन, ये पेन को मान लीजिए एक लाइन है, इस पेन को आप इस पर लाई करवा सकते हैं. देखिए, दिस इज लाइंग ऑन दिस, इट इज लाइंग ऑन दिस, ये लाइन, दे आर लाइंग ऑन इट. सो द सरफेस जो है, दे आर हैविंग लाइंस ऑन इट, इसके ऊपर लाइंस, ये जो है रेड रेड, दे आर ऑल लाइंस. अब इन इसके इनके डेफिनेशन के बाद कुछ कुछ मैथमेटिशियंस का ऐसा विचार है कि इनके कुछ कुछ डेफिनेशन जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं है. जैसे पॉइंट, that which has no length and breadth ka definition clear nahi hai. line ka bhi definition, that which has no breadth. plane, which has surface, iska inhone clear definition nahi diya hai. but hum jo dekhenge wo ye hai ki Euclid's axioms and postulates. you know, Euclid's ne jo axioms diye, axioms means assumptions throughout mathematics. aap mathematics mein, which includes geometry, koi koi statements bahut obvious hai, which are always true, usko prove karne ki zarurat hai, it is true. That is what it says. The rules or principles that are true, which is known as universal truth. This is known as axiom. A postulate hai, it is specifically meant for geometry. That is universal truth, which is specifically meant for geometry. So, kuch Euclid's ke axiom hai, unko hum dekh lete hain. The first axiom, things that are equal to one, equal to the same thing, are equal to one another. Things that are equal to same thing. Ab aap same thing ka matlab kya hai? आपके पास एक फाइव स्टार का बार है, मेरे पास एक फाइव स्टार का बार है, तो आपके और मेरे पास दोनों के पास सेम चीज है ना, है ना. अब एक बच्चा मेरे पास खड़ा है, उसके पास भी एक फाइव स्टार का बार है, तो वो आपसे कंपेयर कर रहा है कि वो भी बता रहा है कि वो आपके बराबर, आपके पास जो चीज है उसके पास भी है. इसका मतलब मेरे पास जो फाइव स्टार का बार है और उसके पास जो फाइव स्टार का बार, वो भी सेम हो गया. सो थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो हम इसको एक रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि मान लो एक आइटम है x जो y के बराबर है, एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज z व्हिच इज आल्सो इक्वल टू y. इफ वी हैव समथिंग सेम टू द सेम थिंग, कुछ चीजें जो एक चीज से सेम है, देन दैट सेज दैट द x एंड z आर सेम. दैट मींस आपके पास और इस बच्चे के पास जो चॉकलेट है वो सेम है, ठीक है. नाउ इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर आल्सो इक्वल. इक्वल्स आर एडेड मींस, अगेन एग्जाम्पल देखिए, आपके पास तीन चॉकलेट्स हैं, फाइव स्टार बार ही आपके पास, मेरे पास भी तीन फाइव स्टार बार्स हैं, आपको दो और मिल गए, मुझे भी दो और मिल गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा, फाइव, मेरे पास भी फाइव हो जाएगा. तो है ना, अपन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गए कि नहीं. तो दैट्स द मीनिंग, दैट इज इक्वल्स आर एडेड. दैट इज अगर आपने एक्स एंड वाई दो क्वान्टिटीज दोनों इक्वल है, उसके साथ मैंने कुछ ऐड कर दिया, कोई एक नंबर ऐड कर दिया, प्लस के, तो दोनों का एडिशन करके जो वैल्यू आता है वो भी इक्वल होगी. अगर आप नंबर से ट्रीट करेंगे तो मान लो 10 है आपके पास, मेरे पास भी 10 है, तो अगर हमको दो और चॉकलेट्स मिल गए, सेम टाइप ऑफ चॉकलेट्स, तो आपके पास कितने चॉकलेट्स हो जाएंगे, 12, मेरे पास भी 12 हो जाएंगे, हम अपन दोनों के पास सेम हो गए कि नहीं. सिमिलरली इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, हमने रिमूव किया, दैट इज आपके पास 10 चॉकलेट्स थे और मेरे पास भी 10 चॉकलेट्स हैं, पर हमें किसी को देना था, मैंने किसी को 2 चॉकलेट्स दे दिया, आपने भी अपने में से 2 चॉकलेट्स किसी को दे दिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिमाइंडर क्या है, 10 माइनस 2 इज 8, 10 माइनस 2 इज 8, दैट मीन्स वी स्टिल हैव द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स. सो दैट इज द स्टेटमेंट, रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल. Now things which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide to one another, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देखती हूँ. ये देखिए, देखिए ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, यस ये एक ट्राइंगल है, फाइन. अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ, ये हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना अपन, इसको कॉपी करते हैं अपन. मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर दिया, ये ब्लू. नाउ व्हाट इज दैट सेइंग, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर. देखिए आप कोइंसाइड मतलब मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके देखती हूँ, ये ट्राइंगल को मैं इसके ऊपर ओवरलैप करके, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, आई एम ट्राइंग टू ओवरलैप, तो क्या दिख रहा है आपको, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया कि नहीं. जब मैंने ब्लू को पिंक के ऊपर ओवरलैप किया तो पिंक तो बिल्कुल भी हाइड हो गया, दिख ही नहीं रहा पिंक, इट इज ओनली ब्लू नाउ. सो दैट मीन्स आई हैव टेकन टू सेम थिंग्स एंड दे आर
पुट वन ओवर द अदर, कोइंसाइड किया, तो दे आर एक्चुअली इक्वल. सो मैंने सेपरेट कर दिया, देखिए सेपरेट, सो दे दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल. सो आप किसी भी चीज को एनी एग्जाम्पल कर दिया, एक्स एंड वाई आर इक्वल, दैट मीन्स एक्स, मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, आपके पास भी 10 चॉकलेट्स है, सो दे आर इक्वल इन नंबर, सो दे विल कोइंसाइड. ठीक है, मेरे पास एक 9th क्लास का टेक्स्ट बुक है, आपके पास भी एक 9th क्लास का टेक्स्ट बुक है, दोनों को एक के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक जैसा ही लगेगा, सो दे आर कोइंसिडेंट. ठीक है, नाउ द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट का मींस कि मैंने एग्जांपल यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैंने यहां से कट कर दिया, तो आई हैव रिमूव्ड दिस पार्ट फ्रॉम दिस ट्रायंगल, सो व्हाट इज लेफ्ट इज दिस पार्ट, ये जो पार्ट लेफ्ट है, विल इट बी स्मॉलर than the original triangle or greater than the original triangle, है ना, ये जो part बचा हुआ it is part from the greater, so that means whole original part है that is always greater than the part of it, it will always be greater than, ठीक है. Now things which are double of the same thing, things which are double of the same thing, अभी अभी example देखिए, कोई एक element है a, sorry कोई एक एलिमेंट है ए, ए इज डबल ऑफ थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ए किसी एलिमेंट का डबल है 2x, ए 2y का भी डबल है, सो व्हाट इज दिस सेइंग, 2x एंड 2y दे आर इक्वल, दैट मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर, आर सेम थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सो दे आर इक्वल टू वन अनदर. Likewise, things which are half of the same thing. Agar half a upon 2 ka, that is a on 2 is x and a on 2 is y. So that means x and y are equal. So these are the axioms given by Euclid. Now we move on to Euclid's postulates. That is, there are 5 postulates. The first one is a straight line may be drawn from one point to another point. एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, नाउ ये स्क्रीन में दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है आपको, देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देयर टू पॉइंट्स, फाइन, एक पॉइंट इसको, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, नाउ दीज आर टू पॉइंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव रिटन इज हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, ये पी है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, मैं इस पॉइंट से कितने लाइंस को पास करवा सकती हूँ, ये एक लाइन हुआ, यस, कैन आई मेक अनदर लाइन, देखिए दूसरे भी एक और लाइन आ रहा है इसी पॉइंट से, आई कैन मेक स्टिल मोर लाइंस, That is what is shown here. ये देखिए आप, इस पॉइंट से आपको कितने लाइन्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट लाइन्स, इसको नाम डाल देंगे L1, L2, L3, there are so many lines. वैसे ही आपको Q पॉइंट से भी आपको खूब सारे लाइन्स दिख रहे हैं, M1, M2, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, दीज आर ऑल डिफरेंट लाइन्स दैट इज पासिंग थ्रू दिस M1s, M2s, दे आर पासिंग थ्रू Q एंड L1s, L2s, दे आर पासिंग थ्रू P. बट आप इसमें ध्यान से देखिए, ऐसे कितने लाइन्स है जो क्यू से जा रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, क्यू से कितने लाइंस जा रहे हैं, फ्रॉम पी, फ्रॉम पी, हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू पी, फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ एक ही लाइन दिख रहा है मुझे, एंड क्यू से पी की तरफ भी एक ही लाइन दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज द ओनली लाइन दैट इज पासिंग थ्रू पी एंड क्यू, इजंट इट द ओनली लाइन विच इज पासिंग थ्रू पी एंड क्यू, so that gives us a statement, that is ek axiom mil raha hai hame yahan pe, what is that, that is there is only one line between two distinct points, do alag alag points se given two distinct points, there is a unique line, that is this is the only line, unique matlab iske alawa aur koi line nahi bana sakte hain which can pass through these two points, fine, so that is an axiom, so which says that we can have only one line segment, line which is passing through one point and one point matlab between two points,
between two points there is only one line. Fine. Now we move to the next postulate, that is a line, terminated line can be produced infinitely. ये मैंने लाइन लिया है, अब मैंने इसके ऊपर दिखाया, देखो ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन. फाइन, इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट बी, इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ. लाइक वाइज इस पॉइंट से आई कैन एक्सटेंड दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी. सो व्हाट इज सीन इज फ्रॉम बोथ द एंड्स, दैट इज बी से भी आप बढ़ा सकते हो, ए से भी आप बढ़ा सकते हो. सो दैट मीन्स अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. आप जैसे कोई रोड है, आप लोग, हम डेली लाइफ के सिचुएशन में देखिए, ये एक रोड है, आपको इस रोड के एंड में एक टाइम कभी आपको कभी यहाँ पे कोई पार्क दिखा होगा और यहाँ कहीं आपको तालाब दिखा होगा. आप कुछ साल बाद देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रोड है और एक्सटेंड हो गया यहाँ से बाय फिलिंग इन, इसको फिल कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं एंड इसको नॉर्मल इसमें ग्राउंड लेवल में लेकर आ जाते हैं, इवन ये पानी को फिल कर देते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंड कर देते हैं. तो ये जो रोड था विच हैड ओनली दिस एज द लेंथ हैज बीन एक्सटेंडेड. अभी कई जगह रोड्स एक्सटेंड कर रहे हैं, देखिए दिस इज वॉट इज सेइंग कि आप इस लाइन को कई दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते, बीच से कहीं स्ट्रेट नहीं कर सकते, लाइन को दोनों एंड से ही एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस इज वॉट इज सेइंग, जिस एंड पे आपको लगता है कि रुका हुआ उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरे एंड से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इट गोज इनडेफिनेटली. नेक्स्ट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. आप एक सर्कल बना सकते हैं कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस से. नेक्स्ट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. ऑल राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू आर्म्स. ये देखिए ये एक राइट एंगल है और एक और राइट एंगल बनाते हैं अपन, ये देखिए ये राइट एंगल. तो माय क्वेश्चन इज ये जो राइट एंगल, दो एंगल्स है, ये दो एंगल ये है अपना राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस एंगल ए ओ बी ले लेती हूँ मैं इसको और ये ले लेती हूँ पी सी क्यू. तो क्वेश्चन इज अगर मैंने इसको ओवरलैप कराने की कोशिश किया, ये देखिए आप पी इसे इट्स गोइंग टू बी ओवरलैप, देखो यहाँ पे आ गया. तो जो पॉइंट हमारा पी यहाँ था, इट हैज कम टू दिस प्लेस, इट इज नाउ हियर, और ये सी जो ये हो गया एंड दिस इज पॉइंट क्यू. सो डिड दे नॉट ओवरलैप, जो हमने देखो व्हाट डज इट से कि दे आर इक्वल टू वन अनदर. ये जो एंगल है दे आर equal to one another because we have got this measure and this measure equal to 90 degree. So two right angles are equal to one another. Fine. Next, next important postulate. This is very important postulate. Postulate number 5. If a straight line falling on two lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, definitely will meet on that side which has sum of the angles less than two right angles. It's a long statement. आप इतना लंबा length statement है तो आपको confuse होने की जरूरत नहीं. What is it saying? आप थोड़ा समझो इस language को जो इन्होंने लिखा है, उसको interpret करो geometrically. If a straight line falling on two straight lines, आपके पास दो straight lines हैं, एक ये straight line है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, देर आर टू स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन है. अब इस पर एक लाइन, इट वन लाइन इज फॉलिंग ऑन इट. देखिए ये एक लाइन फॉल कर रहा है, दिस इज अ लाइन विच इज अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स. एल एंड एम दो स्ट्रेट लाइन्स है और पी उस पर इंटरसेक्ट करता है, उस पर दे आर इंटर पी इज इंटरसेक्टिंग एल एज वेल एज एम. देन द स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? ये दोनों एंगल्स, दीज आर इंटीरियर एंगल्स. ये अंदर से बना हुआ एंगल है, एक ये अंदर का बना हुआ है, दिस इज अनदर इंटीरियर एंगल. इसका नाम ले लेते हैं 1 और इसका नाम 2 ले लेते हैं हम. ये दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स का पेयर एक, इंटीरियर एंगल का पेयर एक 1 एंड 2 हो सकता है एंड दूसरा पेयर है 3 एंड
फोर, ठीक है, थ्री एंड फोर, ऐसे दो सेट ऑफ एंगल्स है. टेकन टूगेदर आर लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन टू राइट एंगल्स. अब आप देखिए इसका मेजर जो है, आपके पास राइट एंगल का मेजर तो ये है, ये राइट एंगल का मेजर है, ये मेजर और ये मेजर में बहुत डिफरेंस दिख रहा है हमें. दिस इज ग्रेटर देन दिस एंगल, ये दिख रहा है ना, ये एक एंगल जो है 90 डिग्री तब बनेगा व्हेन यू मेक एन एंगल ऐसे करके, दिस इज एक्सटेंडेड ऐसे. तो दिस एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, तो इसका इज लेस देन 90 डिग्री. लाइकवाइज ये वाला एंगल जो है, दिस इज ऑल्सो, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड, सम टेकन टूगेदर, इन दोनों को ऐड किया मैंने, इन दोनों को ऐड किया तो दोनों का एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स. एक राइट एंगल का, वन राइट एंगल का मेजर क्या है, वन राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री, देयरफॉर टू राइट एंगल्स का मेजर क्या हो जाएगा, रूट एंगल 180 डिग्री. दैट मींस अगर लेस देन 180 है देन द स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, आपने ये जो स्ट्रेट लाइंस है इसको आपने प्रोड्यूस करना है, इसको आपको यहां से प्रोड्यूस करना है, ऐसे करें इनडेफिनेटली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे साइड से भी आप इसको प्रोड्यूस करिए, स्ट्रेट लेके जाइए, इसको स्ट्रेट लेके जाइए, इस तरफ से आप स्ट्रेट लेके जाइए. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, देन दे मीट ऑन द साइड व्हिच हैज सम लेस देन. तो ये देखिए ये दोनों लाइन, ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से जा रहा है, दे मीट एट सम पॉइंट टी. सो देयरफॉर दिस इज अ पोस्टुलेट दैट इट सेज दैट two lines if they are intersected by a third line and the angle jo the intersecting line is making on one side, the interior angles, in dono ka pair agar 180 se kam hai to they will definitely meet at one point. to aap logo ko ab samajh mein aa raha hoga ye triangle jaisa form ho raha hai, and triangle ka property hai ki sum of the three angles of a triangle is 180. तो ये 180 से कम, तो थर्ड एंगल यहाँ आपके पास मिल रहा है विच विल मेक इट 180 डिग्री. सो दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, फाइन. अब इससे वी हैव वन एग्जांपल, लेट अस टेक अप दिस एग्जांपल. प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन. आपको एक ट्राइंगल बनाना है गिवन लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, this is a line segment, fine. आप इस line segment का आपको एक equilateral triangle. Now what is the property of an equilateral triangle? All sides of a triangle are of the triangle are equal. Though all the sides they will be equal. तो आप कैसे construct करेंगे? तो what is the step that I've taken? This is a very important example. According to Euclid's postulate 3, is we have draw a circle. That is, आप एक circle बना सकते हैं with any center and radius. So what we are doing is we are taking this as a center and AB as the radius. This as a center and AB as radius. तो ये जो आर्क की है, आर्क circle का एक part है. Circle इस तरह से बनेगा आपका. इस तरह से एक circle बनेगा. ठीक है? So we have made a circle with a, this A as center and AB as radius, fine. Dusra, we will construct another circle with B as center and AB as radius. Ab B ko center le lijiye and AB as radius. To aapko kya milega? This is another circle. Ye dekhiye, ye circle rahega, which will, dekhiye, aise karke ek circle banega, hai na? Pura circle aise karega. So what do we find? Ki ye jo length hai, this length that we have, इस लेंथ को बोलेंगे AC, क्योंकि ये जो ना आर्क कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे. यहाँ पे भी दिस इज अनदर लेंथ BC, के दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, दैट्स पॉइंट सी, दैट्स पॉइंट सी. सो व्हाट वी हैव, AC या BC, दे आर बोथ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, बट AC का जो लेंथ था, हमने AC जो रेडियस लेंथ लिया है वो किसके बराबर लिया है, AB के बराबर. लाइकवाइज BC का जो लेंथ लिया, रेडियस, वो किसके बराबर लिया है, लेंथ AB. सो द टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, एक्सियम आ गया ना, दैट मीन्स द टू थिंग्स आर बी सेम दैट वी हैव, दैट इज AC विल ऑल्सो बी इक्वल टू BC. सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, दैट इज
द ट्राइंगल दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, ये जो ट्राइंगल बनाया है हमने विद लेंथ ए सी एंड दिस इज लेंथ सी बी एंड दैट किसी भी चैप्टर को प्रैक्टिकल से प्रूफ कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिकल करके जब एक क्वेश्चन को हम लेते हैं मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में खासकर, तो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैम ने हमें यूक्लिड ज्योमेट्री के सभी जो पॉइंट्स थे, जो थ्योरी थी, उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, और मुझे लगता है कि कक्षा 9 के छात्र इस विषय को अच्छी तरह से जान चुके होंगे। इस सत्र के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीना प्रकाश मैम हैं, सीनियर पीजीटी हैं मैथमेटिक्स, और आप कैंपियन स्कूल भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड रही। मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू टू ऑल माय लर्नर्स। व्यूअर्स, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस सत्र में हमारे साथ बने रहे और आपने सीखा किस तरह से मैथमेटिक्स ज्योमेट्री को आप प्रैक्टिकल के साथ कर सकते हैं। हमारे और भी सत्र इसी तरह ज्ञान से भरे हुए होते हैं, तो ज़रूर कनेक्ट करें और इन सत्रों को शेयर भी करते रहें। जब आप इन्हें शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी इनसे सीख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को या फिर जो इससे सीखना चाहें उसे इन्हें ज़रूर भेजें। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना जो हमारे शैक्षणिक स्तर 2023-2024 की किताबों से संबंधित है। ये सूचना आपको हर कार्यक्रम में उपलब्ध करवाई जाती है, ये आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। आप अपनी किताबें हमारे सेल्स काउंटर जो नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है, वहाँ से संपर्क कर घर बैठे बैठे अपनी किताबें मंगवा सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूर विजिट करें ncertbooks.ncert.gov.in। आप बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको ई पाठशाला दीक्षा मोबाइल ऐप या NCERT को डाउनलोड करना होगा। आप अधिक जानकारी के लिए ज़रूर विजिट करें www.ncert.nic.in। हमारे सेल्स काउंटर सभी अवकाश के दिनों में भी सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। इसी तरह जुड़े रहें NCERT के ज्ञान से भरे सत्रों के साथ। मैं सृजन राजपूत आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।